हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो आपका अध्याय है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स की बात करें। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि प्रश्न आपका किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो हम जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, लास्ट सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है ना, तो क्या होता है आपका जब जिंक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाएगा तो Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इस तरह से आपकी अभिक्रिया होगी, ये आपने लिखा होगा, यानी कि जो जिंक है वो कॉपर को क्या करेगी, यहाँ पर विस्थापित कर देगी। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपने इसमें देखा था। ठीक है ना, चलिए तो आज के सेशन में एक नए क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज when an iron nail is dipped in it? Okay, तो क्या कहा जा रहा है आपका, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अपना रंग बदल देता है जब उसमें लोहे की कील डाली जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर आपको बताना है। तो आपको पता है बेसिकली वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर एक रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, एक रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, आयन और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के बीच में। आयन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि आयन जो है वो कॉपर से आपका अधिक अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशीलता होने के कारण वो कॉपर को वहां से डिस्प्लेस करेगा और फेरस सल्फेट अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा वहां पर, जिसके कारण उस FeSO4 के बनने के कारण उसका कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो चेंज होकर के ग्रीन हो जाता है। ठीक है ना, चलिए तो आंसर लिखेंगे, When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, iron displaces copper, iron displaces copper
फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बिकॉज आयन मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ओके देयर फोर the color of copper sulfate solution changes. और रिएक्शन क्या है आपका? Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus C. Okay? हिंदी में जो बच्चे लिखते हैं वो लिख लेंगे. लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आंसर में लिखेंगे, जब लोहे की एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो आयन यानी कि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन से, क्योंकि लोहा जो है वो आपका कॉपर से यानी तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है. इस वजह से आपका इसलिए जो रंग है कॉपर सल्फेट के विलयन का, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है और इसके लिए यहाँ पर अभिक्रिया दी गई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपको देना. क्या देना है? क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताओ? क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है. दो पदार्थों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, दो कंपाउंड्स के बीच आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, जिसके फलस्वरूप नए प्रोडक्ट बन रहे हैं. इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है. तो इसके लिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना है. तो एग्जांपल लिखिए, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है.
होता क्या है यहाँ पर, रिएक्शन के दौरान जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो आपस में अपने स्थान बदलते हैं, जिसके फलस्वरूप नया आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर आपका सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के मध्य अभिक्रिया हो रही है, तो जो क्लोराइड है और नाइट्रेट है वो एक दूसरे का स्थान ले लेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव जो आयन है आपके, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप आपका नया प्रोडक्ट बन रहा है। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन ट्रेड पोजिशंस एज अ रिजल्ट as a result of formation of silver chloride PPT precipitate, okay? होता क्या है, AgNO3 प्लस NaCl है आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या है, Ag पॉजिटिव, ठीक है, और NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा आपका, इस Cl के पास जाएगा इस तरह से, तो क्या बनेगा यहाँ पर, AgCl, और इसी का क्या आएगा आपका, PPT आएगा, ठीक है, और NaNO3, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बताना है आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है ना, What is the difference between what is the difference between displacement and डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जाम्पल, ठीक है ना, इन्हें एग्जाम्पल के साथ आपको अंतर भी उन दोनों में बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा था, उसके यौगिक से या फिर लवणीय विलयन से, जलीय विलयन से आप बोल रहे थे, वहां से उसको विस्थापित कर रहा था। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या बोला कि यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हो, ठीक है ना, तो उसी को आप लोग आंसर के रूप में अपना लिख लेंगे। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखिए पहले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन व्हेन A more reactive substance is one when a more reactive element or substance
displaces a less reactive element. From its salt solution. ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. Whereas a double displacement reaction is one whereas a double displacement reaction is one where a mutual exchange of ions happen. ओके, जहां पर क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयन का, happens between two compounds. दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप नए यौगिक बनते हैं. इसी को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन. और क्या लिख सकते हो, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली अ सिंगल only a single displacement take place और जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे नाम है ना, दो बार विस्थापन हो रहा है, बस वही आपको लिखना है. प्लेस वेयर एज इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Whereas in double displacement reaction, double displacement ठीक है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही बार और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ये चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे. इसका क्वेश्चन आपने अभी एक पहले भी देखा, ये वाला द्विविस्थापन किसे कहा जाता है, ठीक है ना. चलिए
एग्जाम्पल लिख लो। डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लिखो। पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, ये दोनों अभिक्रिया करके, ठीक है, के पॉजिटिव, बी आर निगेटिव, बी ए पॉजिटिव, आई निगेटिव, ठीक है ना, इस प्रकार से टूटेंगे और आपका क्या बनाएगा, पोटेशियम का पॉजिटिव आयोडाइड जो आपका निगेटिव बन रहा है उसके साथ जाएगा, और यहाँ बेरियम का पॉजिटिव इस प्रकार से, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर टर्म्स दी गई हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है गेन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में और एंड विद टू एग्जांपल्स, विद टू एग्जांपल्स ईच, प्रत्येक का आपको दो उदाहरण, ठीक है ना। अब क्या क्या है, फर्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीकरण या उपचयन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, और उसके लिए आप एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और दूसरा आपका रिडक्शन आएगा दूसरी टर्म, एडिशन ऑफ ओ टू एंड रिमूवल ऑफ एच टू, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे होमवर्क। सेकेंड है आपका रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ओ टू एंड एडिशन ऑफ एच टू, ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया है कि क्या होता है रिडक्शन यानी अपचयन का मतलब, ठीक है। बाकी चैप्टर में आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी समझाया गया है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव की टर्म में भी समझाया गया है कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन किसे कह रहे हैं, रिडक्शन किसे कह रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, होमवर्क में है ये आपके लिए प्रश्न, और साथ ही इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, ठीक है ना, दोनों के दो दो उदाहरण विद टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, प्रत्येक के आपको दो दो उदाहरण भी लिखने हैं, किसके, ऑक्सीकरण के और अपचयन के, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए तो आज के सेशन में हमने चैप्टर वन के कुछ और प्रश्नों पर यहाँ पर बात की, आने वाले सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।